एक ऐसी स्वर्ग से भी बढ़कर खूबसूरत जगह है जहां पहुंचना एक मुश्किल भरा है, और पहुंच भी गए तो 100 कदम लगातार चलना तो नामुमकिन है। इतनी ऊंचाई की जगह है, ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होने से थोड़ा सा चलने में ही सांस फूल जाती है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN मीडिया। टूर एंड ट्रिप सीरीज के पिछले वीडियो में हमने गुरु डोंगमार झील जाते समय रास्ते में लाचेन नामक खूबसूरत शहर का वीडियो शेयर किया था। आज हम विजिट करेंगे नॉर्थ सिक्किम की एक ऐसी खूबसूरत जगह है गुरु डोंगमार झील, जहां आकर आपको सच में धरती के स्वर्ग का एहसास होगा। समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। बर्फीले पहाड़ों से घिरी इस प्राचीन झील का पानी इतना साफ है कि आप इसमें अपना चेहरा तक देख सकते हैं। बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी इस झील के ऊपर सर्दियों के मौसम में बर्फ की एक परत चढ़ जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभवा के नाम पर ही इस झील का नाम गुरु डोंगमार पड़ा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 8वीं सदी में वे इस झील के पास आए थे। इस झील के आसपास कई जानवर और ग्लेशियर हैं। यहाँ आपको नीले रंग की भेड़ और याक भी देखने को मिल जाएंगे। ये झील लगभग 290 एकड़ में फैली हुई है। गुरु डोंगमार झील से कई महापुरुषों का नाम जुड़ा हुआ है और उन्हीं में से एक है गुरु पद्म संभवा। कहा जाता है कि उनके ही चमत्कार के कारण इस झील के कई हिस्से साल भर जमते नहीं हैं। जब गुरु संभवा इस स्थान पर पहुंचे तो इन्होंने इसे जमा हुआ पाया। पूरे साल इस झील के जमे रहने पर स्थानीय लोगों ने गुरु से मदद मांगी। लोगों की प्रार्थना सुनने के बाद गुरु पद्म संभवा ने इस झील के एक जमे हुए किनारे पर हाथ रखा और उसी चमत्कार के कारण कहा जाता है कि ये झील पूरी तरह से नहीं जमती है। हालांकि इस झील के आसपास आपको बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिख जाएंगे और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, लेकिन उनके चमत्कार के कारण इस झील का कुछ हिस्सा नहीं जमता है। इस झील पर एक अन्य महापुरुष भी आए थे और वे थे सिख संत गुरु नानक। तिब्बत से लौटते हुए वे इस झील के पास रुके थे। इनकी कथा भी गुरु पद्म संभवा की तरह ही है। स्थानीय लोगों की मदद के लिए गुरु पद्म संभवा के अपनी छड़ से इस झील को स्पर्श करने के बाद इसकी बर्फ पिघल गई। गुरु डोंगमार झील धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा है और श्रद्धालु अपने अपने बर्तनों में झील के उस हिस्से का पानी अपने साथ लेकर जाते हैं। झील के दूसरी ओर सुनहरे पत्थरों के पीछे गहरा नीला आकाश एक और खूबसूरत परिदृश्य को दर्शाता है। यहाँ झील के किनारे एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल भी है। गुरु डोंगमार झील पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले लाचेन पहुंचना होगा, जहां आप गंगटोक से 4 या 5 घंटे का सफर तय करके आराम से पहुंच सकते हैं। लाचेन से गुरु डोंगमार झील आप 3 से 4 घंटों में पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के लिए आप बस, निजी कैब और टैक्सी की सुविधा भी काम में ले सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप SSN मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।